आरा नगर निगम से मेयर प्रत्याशी पूर्व मेयर प्रियम ने आरा शहर के मिसर टोला, महादेवा, महाजन टोली, खारा कुआं, हरिज घाता सहित कई मोहल्लों में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में समर्थक पूर्व मेयर प्रियम के साथ जनसंपर्क यात्रा में शामिल हुए। वह पूर्व मेयर प्रियम के समर्थन में जमकर नारेबाजी कर रहे थे। वहीं पूर्व मेयर प्रियम ने जनसंपर्क यात्रा के दौरान लोगों से मिलकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि क्रमांक संख्या 12 मछली छाप पर बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजय बनाए। वहीं पूर्व मेयर प्रियम में की जनसंपर्क यात्रा में अनोखा प्रचार प्रसार देखने को मिला, जहां एक युवक द्वारा गाना गाकर लोगों को वोट देने की अपील की जा रही थी। वहीं पूर्व मेयर प्रियम के जनसैलाब को देखकर समर्थक उत्साहित भी थे। लोगों ने पूर्व मेयर प्रियम को जिताने की बात भी कही। सबसे पहले नगर निगम की सभी जनता को मैं चरण छू कर प्रणाम करना चाहती हूँ और मैं बताऊंगी कि अब से ये वोट का बहुत नज़दीक समय आ गया है, 2-3 दिन बस रह रहा है, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि एक बहुत बड़ा फैसले की घड़ी है। आप लोग एकदम सोच समझ कर फैसला कीजिए। अगर आरा नगर निगम की दशा को सुधारना चाहते हैं, साफ स्वच्छ जीवन जीना चाहते हैं और समस्याओं से निदान चाहते हैं, भ्रष्ट थोड़ा सा भ्रष्टाचारी से मुक्ति चाहते हैं या उसका नियंत्रण चाहते हैं, तो प्लीज़ क्रम संख्या 12 पहचान चीन मछली पर वोट दबाइए और मुझे विजयी बनाइए। मैं बताना चाहूँगी कि मेरा पहले भी बैकग्राउंड आप देख चुके हैं, जो भी कार्य किया हुआ अगर शहर में यहाँ भी कहीं बोर्ड लगा हुआ है तो या तो प्रियम देवी का है या सुनील कुमार का है, तो हम बताना चाहेंगे प्लीज़ मछली छाप पर ही वोट कीजिए और मुझे विजयी बनाइए। समय कम रह गया है मैडम और प्रचार प्रसार में अब एड़ी चोटी सभी लोग लगा चुके हैं, अपने मतदाताओं से क्या अपील करिएगा? क्योंकि अपील तो सभी कर, लेकिन अब क्या अलग अपील होगा क्योंकि समय कम है और जनसंपर्क का दौरा लगातार जारी और हर जगह सब जगह पहुंचना संभव भी नहीं है, तो क्या कहना चाहिएगा अपने पूरे मतदाताओं से जो अपने अंदाज में आप अपील करती हैं? मैं मतदाताओं से मैं यही कहना चाहूँगी कि हम समस्या को देखते थे, मैं यहाँ के पहले नागरिक हूँ, उसके बाद मैं कोई पद प्रतिष्ठा अगर आप लोग देते हैं तो उसके हकदार होती हूँ। मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं आपका जो जल जमाव की समस्या है शहर में, तो उसके लिए मैंने कदम उठा लिया था। मैंने लखनऊ की टीम्स के साथ मीटिंग करके और मैंने DPR तैयार कर लिया था इसके लिए, जल जमाव की समस्याओं को निकालने के लिए, कि बड़े छोटे छोटे नालों को बड़े नाले से जोड़ते हुए और उसको गांगे में या नहर में डालते हुए। लेकिन हमारा कार्यकाल जा चुका था, 3 साल मेरा ख़त्म हो चुका था, 3 साल से मैं बैठ गई, मेरा कार्यकाल नहीं हुआ, नहीं तो आप लोगों को कहने से पहले मैं इस समस्या को ख़त्म कर देती। तो मैं बताना चाहूँगी कि मैं यहीं से काम शुरू करूँगी। मैं बार बार कह रही हूँ कि मैं जो कहती हूँ वो करती हूँ, तो मैं यहीं से काम शुरू करूंगी। तो मैं बताना चाहूंगी कि प्लीज़ आप लोग मछली छाप पर वोट कीजिए और मुझे भारी मतों से विजयी बनाइए। धन्यवाद। इस कारण से हम लोग मैडम प्रियम देवी को देंगे वोट। प्रियम जी के? हाँ, मतलब फिर से क्या प्रियम दोबारा? हाँ, दोबारा हम लोग चाहते हैं, पहले विकास हुआ है उसी बात फिर से चाहते हैं। तो लगता है कि इस बार भी विकास करेंगे? हाँ, विकास दोबारा करेंगे। क्या है आपको? मुझे बहुत खुशी है कि मैं जिस वार्ड में जाती हूँ तो मुझे बढ़ चढ़ कर लोग मुझे सहयोग कर रहे हैं, मेरे साथ रह रहे हैं, मुझे आश्वासन दे रहे हैं कि मुझे आप ही से उम्मीद है, तो मैं भी उन्हें आश्वासन दे रही हूँ कि प्लीज़ मुझे वोट कीजिए। मैं आपके आश्वासन को दे रही हूँ और मैं आपके बातों पे एकदम खड़ी उतरूंगी। मैंने हर कार्य को देखा है, समझा है, मुझे कोई नगर निगम समझने की ज़रूरत नहीं है। मैं जाऊँगी तो मैं एकदम स्टार्टिंग करूँगी। मैं आरा नगर निगम जनता से बताना चाहती हूँ कि ये बहुत बड़े फैसले की घड़ी है, हर जाति से उठकर, हर धर्म से उठकर इस बार वोट कीजिए ताकि आपको लगे कि मैंने जो फैसला किया वो सही किया। मैं बताना चाहूँगी कि कुछ लोग आपके पास जाएंगे, आपको प्रलोभन देंगे, तरह तरह की बातें करेंगे। थोड़ा सा सोचने की बात है कि आज वही आपकी एक वोट की कीमत लाखों में बदल रहा है, तो प्लीज़ अपने वोट की कीमत समझिए और प्रियम देवी को वोट कीजिए। क्रम संख्या 12 पहचान चिन्ह मछली, मछली छाप यानी मछली छाप। प्लीज आरा की जनता मेरी भावना समझिए, मैं आप लोग की समस्या के बीच में रहती हूँ, चौक पर आती हूँ, मेरा जाना पहचाना चेहरा भाई लोग मुझे देखे हुए हैं, तो मैं बताना चाहूंगी प्लीज मैं भी उस समस्या से गुजरती हूँ, तो प्लीज मछली छाप मतलब मछली छाप पर वोट कीजिए। धन्यवाद। करना चाहिएगा अपने सभी आरा के मतदाताओं से, समय कम है।
मैं आरा नगर में होगी सभी जनता को चरण छूकर प्रणाम करना चाहती हूँ और मैं बताना चाहूँगी कि इस बार बहुत बड़ा एक फैसले की घड़ी है जो आपके वोट से फैसला होगा और बहुत सोच समझ कर फैसला करना है, जाति धर्म से उठ कर फैसला करना है। और मैं बताना चाहूँगी मैं प्रियम मेयर प्रत्याशी, मेरा क्रम संख्या 12, नाम प्रियम, पहचान चिन्ह मछली, इसको बटन नीला बटन दबाकर आप मुझे वोट कीजिए। एक बार फिर मैं प्रणाम करती हूँ चरण छूकर, धन्यवाद। के आज वार्ड में जो मेयर प्रत्याशी हैं प्रियम देवी पहुँची हैं, क्या कहना चाहेंगे अपने एक मेयर के तौर पर, किसे देखना चाहते हैं, कैसे लोगों को मेयर के पद पर चाहते हैं? मैं मेयर प्रियम देवी को देखना चाहता हूँ, पिछले साल ये रह चुकी थी जी, और इस बार भी मैं इन्हीं को साथ देना चाहता हूँ। यानी इनके साथ आप लोग का पूरा है? पूरा है। कहाँ घर हुआ आपका? जेल रोड। जेल रोड, चलिए बताइए। हाँ, क्या कहना चाहते हैं, कैसा मेयर होना चाहिए आरा शहर के लिए? आरा शहर के लिए प्रियम जी से अच्छा कोई मेयर प्रत्याशी नहीं है। पूरी जनता का जो झुकाव है 45 वार्ड का उनके प्रति हो गया है और 28 तारीख को 12 नंबर पर बटन दबा करके जनता इनको भारी मतों से विजयी बनने जा रही है। चलिए ठीक, इनका पिछले का अनुभव रहा है काम करने का, तो इस बार इनको मिलेगा तो इस काम को ये और आगे बढ़ाएंगे। इसलिए मैं पूरी जनता से अपील करना चाहता हूँ कि प्रियम देवी को मछली चापे वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाए। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम जेल रोड से घरवा के रहने। चलिए।